हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की वीडियो यूएई कंट्री की एक और फ्री रिक्रूटमेंट की वीडियो है, और चाहे आप फ्रेशर हैं या आप मिड लेवल प्रोफेशनल हैं या आप एक्सपीरियंस्ड हैं, चाहे आप सीनियर प्रोफाइल पे काम करते हैं या आप जूनियर प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, ये वीडियो हर एक तरीके के प्रोफेशनल्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप एब्रॉड जाना चाहते हो, एब्रॉड जाके अच्छा पैसा कमाना चाहते हो और यूएई जैसी कंट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये किस कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। ये रिक्रूटमेंट हो रहा है यूरो मैकेनिकल कंपनी के लिए। तो आइए चलिए यूरो मैकेनिकल कंपनी के बारे में जानते हैं कि ये कैसी कंपनी है, इस कंपनी के बारे में लोगों का क्या कहना है। आपके सामने कंपनी का गूगल पेज पे, हमने गूगल पे कंपनी का नाम डाला है यूरो मैकेनिकल अबू धाबी। आप देख सकते हैं कंपनी की वेबसाइट आ गई है। वेबसाइट हम एक्सप्लोर करेंगे, बट उसको एक्सप्लोर करने से पहले गूगल रेटिंग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इस कंपनी का गूगल रेटिंग 4.5 रेटिंग किया गया है। 85 लोगों ने रिव्यू करने के बाद भी इसकी रेटिंग 4.5 है, काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। अगर आपके पास 4.5 रेटिंग मिली हुई है और 85 लोगों ने रिव्यू कर रखा है तो। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4.1 रेटिंग दिया गया है, 16 लोगों ने रेटिंग दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी सर्विसेज के बारे में, तो 5 रेटिंग दिया गया है, 2 लोगों ने रिव्यू कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यूएई की कंपनी है और रेटिंग के मामले में काफ़ी अच्छी कंपनी है। बाकी आइए चलते हैं इस कंपनी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब आप देख रहे हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है, और ये कंपनी पिछले 40 साल से काम कर रही है डिफरेंट सेगमेंट में। आप यहाँ पे कंपनी की कुछ इमेजेस देख सकते हैं, कंपनी का मिशन विजन, ये सारी बेसिक डिटेल देखने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वेबसाइट को खुद से अपने मोबाइल में ओपन करें और इसके बारे में, इस कंपनी की वेबसाइट को आप एक्सप्लोर करें। अब आप देख सकते हैं कि कंपनी किस किस सेगमेंट में बिजनेस करती है, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन एंड फैब्रिकेशन, अपस्ट्रीम, बोल्टिंग एंड मशीनिंग सॉल्यूशन, एनडीटी एंड टेस्टिंग मशीन्स, मैन पावर सर्विसेज। ये डिफरेंट सेक्टर्स है जिसमें कंपनी वर्क करती है। अब आप यहाँ पे कंपनी के क्लाइंट देख सकते हैं, एडनॉक प्रोजेक्ट पे काम करती है कंपनी, पेट्रोफैक्ट के साथ काम करती है, एनपीसीसी और जितनी भी टॉप कंपनीज हैं यूएई की, उन सब के साथ इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप लोगों की मेन रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी में आप लोग जॉब कैसे ले सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस कंपनी में जॉब कैसे ले सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है फिर आप किस तरीके से जॉब ले सकते हैं, अगर आपका प्रोफाइल इंजीनियरिंग है तो आप कैसे जॉब ले सकते हैं, नॉन इंजीनियरिंग है तो कैसे ले सकते हैं, अगर आप पावर सेक्टर में हैं तो आप पावर सेक्टर की जॉब इस कंपनी में कैसे ले पाएंगे, अगर आप एनडीटी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप एनडीटी फील्ड में इस कंपनी से जॉब कैसे ले सकते हैं। तो इन सारे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को पॉज करके, साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे रखा है, आप अगर जाके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेते हैं तो वहां पे आपको एब्रॉड की जॉब अपॉर्चुनिटीज तो मिलती हैं, साथ ही साथ आपको इंडिया की जॉब अपॉर्चुनिटीज भी रेगुलर बेसिस पे वहां पे मिलती रहती हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपनी वीडियो पे, अपनी एब्रॉड की यूएई की जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर आप चाहे फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो उस केस में आप किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अब मैं आपको इस चीज को बताता हूँ। उसके लिए आपको यूरो मैकेनिकल की साइट पे जाना है। साइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक तो ज्वाइन अस में जाके जनरल एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं। जनरल एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और यहाँ पे आप नीचे जाएंगे और दोबारा जनरल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा, आप एक तो सिंपली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिल करके अगर कंपनी के पास कुछ प्रोजेक्ट रहेगा तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, बट अगर आप इस तरीके से कांटेक्ट करते हो तो आपकी चांसेस रहते हैं कि आपको सिलेक्शन हो, बट अगर आपके पास रेस्पॉन्स नहीं आता, आप यहाँ से अगर अप्लाई कर रहे हैं आपके पास रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे,
आपने एक तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इसके साथ साथ अपना CV और बाकी सर्टिफिकेट और डिटेल्स एक अच्छे से PDF फाइल में बना के आपने इस मेल ID पे मेल भी कर सकते हो। दूसरी चीज, इसके बाद भी मान लो आपका काम नहीं बना तो क्या करोगे? उस केस में आपको घबराना नहीं है, ऐसी सिचुएशन में भी आपके पास एक रास्ता और है। इस कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के प्रोफेशनल से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने का। तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस केस में आप कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में किस तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके प्रोफाइल से रिलेटेड वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं है। ध्यान रहे, इसके साथ साथ अभी जो मैं डिटेल बता रहा हूँ, ये तो बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे कभी भी देख रहे हैं, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी इस प्रोसीजर से आप जॉब ग्रैब कर सकते हैं। बट इस कंपनी का रिक्रूटमेंट, इंडिया में क्लाइंट आ रहे हैं रिक्रूट करने के लिए इस कंपनी से अबू धाबी के लिए, और बहुत ही जल्द इंडिया में क्लाइंट इंटरव्यू भी होने वाला है। मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि उस क्लाइंट इंटरव्यू में किस किस पोजीशन के लिए हायरिंग होने वाली है। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको उस क्लाइंट रिक्रूटमेंट का भी डिटेल पता चल सके। तो आइए चलिए देखते हैं कि अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना है। जाने के बाद आपको कॉन्टेक्ट अस में आना है, कॉन्टेक्ट अस पे आपको क्लिक करना है। अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के बारे में दे रखा है। कुरियर एड्रेस, तो आपको कुरियर एड्रेस से लेना देना नहीं है, पोस्टल एड्रेस से भी लेना देना नहीं है। अब आप देख सकते हैं यूरो मैकेनिकल DAS आईलैंड ऑफिस, तो यहाँ का आपको मेल ID मिल जाएगा। मिस्टर प्रवीण कुमार सिंह यहाँ के बिजनेस मैनेजर हैं, इनको आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन में वर्क करते हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो आप इनकी मेल ID डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। अनिल मिश्रा जी हैं यहाँ पे बिजनेस मैनेजर। अगर आप NDT सेगमेंट से, NDT प्रोफेशनल्स हैं, तो आप मिस्टर अनिल मिश्रा से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस मेल ID पे। इस तरीके से आप जिस भी सेगमेंट में बिलोंग करते हैं, ओके, लेट सपोज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस सर्विस से बिलोंग करते हैं, तो आप यहां से डिटेल ले सकते हैं। मिस्टर नीलप्रियन RK से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनकी मेल ID पे, construction@euromechanical.com। इस तरीके से आप जिस भी डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, जिस सेगमेंट से रिलेटेड आप प्रोफेशनल हैं, उस सेगमेंट से रिलेटेड यहाँ पे हर तरीके की डिपार्टमेंट की मेल ID दी हुई है, कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है, आप कॉन्टैक्ट करके अपडेट ले सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कंपनी की वेबसाइट आप अच्छे से एक्सप्लोर करें, और एक्सप्लोर करने के बाद फिर कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंपनी की जॉब पोजीशंस के हिसाब से आप अपने रिज्यूमे को अच्छे से मॉडिफाई करें, उससे रिक्रिएट करें, और फिर आप अप्लाई करें। आप जितनी भी बार अप्लाई करते हैं किसी भी कंपनी में, अगर आप जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं या वहां पे अपना रिज्यूमे भेजते हैं ईमेल के थ्रू, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कंपनी के कल्चर को समझना है, कंपनी की रिक्वायरमेंट को समझना है, और अपने रिज्यूमे के अंदर स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे कुछ ऐसी चीजें डालनी है जिससे कंपनी को लगे दिस कैंडिडेट इज मेड फॉर माई कंपनी ओनली। कंपनी को लगेगा कि कंपनी का जो गोल है, कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट अगर आपके रिज्यूमे से फुलफिल हो रहा है तो कंपनी आपको रिक्रूट करने में पीछे हटेगी ही नहीं। बट अगर आप अपना नॉर्मल रिज्यूमे ही भेजते रहोगे जो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन नहीं हो रहा है, तो कंपनी आपको कैसे रिक्रूट करेगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जितनी बार अप्लाई करें, जब जब अप्लाई करें, अपने रिज्यूमे को आपको एडिट करके तभी अप्लाई करना है। अब मैं बात करता हूं कि इस फ्री रिक्रूटमेंट में क्लाइंट जो इंडिया आ रहा है, वो इंडिया आके कौन कौन सी जॉब पोजीशंस के लिए हायरिंग करने वाला है और इसका इंटरव्यू कब होने वाला है। तो ये एक फ्री रिक्रूटमेंट है, आपको कोई भी सर्विस चार्ज पे नहीं करना है इन जॉब पोजीशंस के लिए। फ्लाइट टिकट, वीजा, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। यहाँ पे पाइपिंग फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, स्ट्रक्चर फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, वेसल फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, रिगिंग फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, पाइप फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है, फिटर विथ टैग वेल्डिंग का रिक्वायरमेंट है, माफ कीजिएगा, वेल्डर का रिक्वायरमेंट है, फायर वॉचर का रिक्वायरमेंट है, रिगर लेवल 2 का रिक्वायरमेंट है, 60 वेल्डर एंड आर्क वेल्डर का रिक्वायरमेंट है, जिनको SAW, CS और SS में वेल्डिंग आनी चाहिए। इसके साथ साथ पाइपिंग सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है, पाइपिंग सुपरवाइजर की सैलरी काफी अच्छी होती है,
तो अगर आप बीटेक मैकेनिकल हैं और आप पाइपिंग सुपरवाइजर की पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए एनडीटी लेवल 2 सर्टिफिकेशन करके, क्यूएक्यूसी पाइपिंग सर्टिफिकेशन करके इस पोजीशन पे आप जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस पोजीशन पे स्टार्टिंग लेवल पे एंट्री लेना डिफिकल्ट होता है, बट थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने का इस पोजीशन पे आप आराम से जा सकते हैं। तो पाइपिंग सुपरवाइजर की जॉब अवेलेबल है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, वेसल फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है, पाइप फिटर का रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल हेल्पर का रिक्वायरमेंट है, 6G एंड आर्क वेल्डर का रिक्वायरमेंट है, CS और SS में जिनको वेल्डिंग आनी चाहिए, और इसके साथ साथ रिगर लेवल 3 का भी रिक्वायरमेंट है। इन सारी पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट करने क्लाइंट इंडिया आ रहे हैं 12 नवंबर को। तो ध्यान रहे, आप अगर इन किसी भी पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अपना रिज्यूमे आप इस तरीके से बनाएं कि जो मैंने आपको कंपनी की अभी वेबसाइट दिखाई थी, एक्सप्लोर कराई थी, उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग वहां पे आप जाके रिसर्च करो, कंपनी के बारे में समझो, कंपनी का स्ट्रक्चर समझो, और अपने रिज्यूमे को उस तरीके से आप डिजाइन करो जिससे कि क्लाइंट अगर आपका रिज्यूमे देखे तो क्लाइंट को लगे कि ये कैंडिडेट की मुझे जरूरत है। मैंने आपको जॉब पोजीशन बता दिए, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, क्लाइंट इंटरव्यू के लिए या फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तभी भी आपका रिज्यूमे बहुत मैटर करता है। ध्यान रहे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती है। कम्युनिकेशन स्किल्स में लोग अक्सर करके दिक्कत कर जाते हैं, उनको लगता है कि इंग्लिश बोलना ही कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। अगर आपको इंग्लिश बोलना अच्छे से नहीं आता, तो आप हिंदी में भी खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस किस लैंग्वेज में कितनी अच्छे से कर सकते हो। किसी भी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करो, बट अच्छे से एक्सप्रेस करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है तो आप इंग्लिश में बात करें, वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट तो देगा ही देगा, बट अगर इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, बहुत लड़खड़ा रहे हो, तो आप हिंदी में ही कॉन्फिडेंटली बात करो। आपका ड्रेसिंग सेंस भी मैटर करता है, तो ध्यान रहे, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप वेल ड्रेस होके जाएं, तैयार होके जाएं, और थके भी ना जाएं, आप आराम से 8 घंटे की नींद लेके तभी आप इंटरव्यू देने जाएं। मैंने आपको बताया इसका इंटरव्यू बड़ौदा में होने वाला है, और आपको अगर यहाँ पे इंटरव्यू देने जाना है तो मैं आपको बड़ौदा का एड्रेस भी बता देता हूँ। एड्रेस है 301 थर्ड फ्लोर, ब्रुकफील्ड 925 ओल्ड चन्नी रोड, वडोदरा, गुजरात। ये तो मैंने आपको एड्रेस बता दिया, इसके साथ साथ मैं आपको मोबाइल नंबर भी बता देता हूँ, बिकॉज अक्सर करके कैंडिडेट को क्या होता है कि अगर इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं या इंटरव्यू से पहले उनको एक मोबाइल नंबर चाहिए होता है जिससे वो कॉन्टैक्ट करके बातचीत कर सके। कई बार क्या होता है कि आप कॉन्टैक्ट करते हैं बट आपकी कॉल रिसीव नहीं हो पाती है, आप WhatsApp करते हैं, आपको WhatsApp का रिप्लाई नहीं मिल पाता है। ऐसे केस में आपको परेशान नहीं होना है, आपको उसी नंबर पे 1-2 घंटे बाद दोबारा ट्राई कर लो। नहीं कॉन्टैक्ट हो पा रहा है, 1-2 घंटे बाद दोबारा ट्राई कर लो, बिकॉज कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, और ऐसे केस में सारी कॉल रिसीव करना या ऑल टाइम कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अगर इन पोजिशंस पे जाना चाहते हो तो आप वेट कर करके कॉल करो, जब तक आपकी बात ना हो जाए। आपकी कॉल हो सकता है पहली बार में रिसीव हो जाए, हो सकता है 2-3 बार ट्राई आपको करना पड़े। बाकी एड्रेस बता दिया है, इस एड्रेस पे आप विजिट करके फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू तो दे ही सकते हो। अब आप मोबाइल नंबर नोट कर लो, मोबाइल नंबर है 8976874435। एक नंबर और नोट कर लें, 9136975441। ये दोनों नंबर मैंने आपको जो दिए हैं ये बड़ौदा के दिए हैं। इसके साथ साथ आप मुंबई ऑफिस का भी नंबर नोट कर सकते हैं, जिससे अगर इन केस बड़ौदा ऑफिस में आपके कांटेक्ट ना हो पाए तो आप मुंबई ऑफिस को कांटेक्ट करके बेसिक इंफॉर्मेशन या डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो मुंबई ऑफिस का नंबर है 9920037211। एक नंबर और नोट कर लें, 8828002670। तो मैंने आपको इंटरव्यू का एड्रेस बता दिया है, कॉन्टैक्ट डिटेल दे दिए हैं, 4 नंबर दे दिए हैं, आप नंबर पे कॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन अगर कुछ भी लेनी है तो आप ले सकते हो। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो आप इन पे अप्लाई करें, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको वो भी बता दिया कि किस तरीके से आप कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप अगर क्लाइंट इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं, जो एड्रेस मैंने बताया इस एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर दे दिया, उस मोबाइल नंबर पे कॉल करके बाकी जानकारी ले सकते हैं क्लाइंट इंटरव्यू के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।